Purnamada Purnamidam Purnam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. यहाँ आसपास किसी हिंदू का घर है क्या? कर रहे हो? लेकिन आप अन्न ग्रहण कहाँ करेंगे? इस मलेच के घर? आप मुझे बचाने की कोशिश करेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं बचूंगा। मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। आप अपनी निर्बल प्रजा पर अत्याचार करते हैं और अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। आप दुष्ट हैं। तू कौन है बे? बाबा, आप ये सारी बातें गौरमोहन बाबू और विनय बाबू को क्यों नहीं बताते? ऐसा नहीं है राधा कि बिनोय बाबू ये नहीं समझते, मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही समझते हैं। दरअसल उनकी रुचि समझने में नहीं, समझाने में ज्यादा है। लेकिन जिस दिन वो सच्चे मन से परम सत्य का दर्शन कर लेंगे, उस दिन उन्हें तुम्हारे पिताजी के ज्ञान की आवश्यकता नहीं। लेकिन आज उनके लिए मेरी सारी बातें कोई मायने नहीं रखती। अच्छा बाबा, आज मैं भी आपके साथ प्रार्थना में बैठूं? गौर की बातें सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, खुद गौर है। उन शब्दों में आकृति है, गति है, प्राण है, जो विश्वास और स्वदेश की वेदना से परिपूर्ण है। ये सिर्फ विचार नहीं है जिन्हें तर्क से खारिज किया जा सकता है। उनके शब्द एक संपूर्ण इंसान है, और वो ऐसा इंसान नहीं जिसे आप नजरअंदाज कर सकें। लेकिन पानू बाबू, अभी शादी में बहुत वक्त है, फिर इतनी जल्दी सगाई की क्या जरूरत है? देखिए परेश बाबू, विवाह से पूर्व कुछ समय तक मैं एक दूसरे के बंधन में बंधना अनिवार्य और आवश्यक मानता हूं। इससे दोनों के बीच एक पवित्र और मानसिक संबंध बनते हैं, इसलिए मेरा मानना है कि सगाई जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। ठीक, तो मैं सुचरिता से पूछ लेता हूं। उसने तो अपनी सहमति पहले ही दे दी है। राधा जी बाबा, पानू बाबू तुम्हारी सगाई तुरंत कराना चाहते हैं। इस लंबे बंधन के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? जो भी आप ठीक समझे बाबा। तो ये तय रहा, मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ प्रोग्राम के बाद एक दिन सभी को यहाँ बुला करके हम लोग ये रस्म पूरी कर देंगे। सुचरिता जी, इसमें मेरा एक लेख है, और लेख का टाइटल है द मीनिंग फॉर लुकिंग बैक। इसमें मैंने उन लोगों के बारे में विश्लेषण किया है जो रहते तो वर्तमान में हैं, लेकिन अपना मुंह अतीत की तरफ किए रहते हैं। तुम्हें जरूर अच्छा लगेगा। The mania for looking back. आप रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूं। विनय बाबू, ये देखिए। गौरमोहन बाबू चाहे ना
तो ऐसे लेखों की धज्जियां उड़ा सकते हैं। इतनी हिम्मत? ये लेख तो छपने के लायक नहीं, सिर्फ व्यक्तिगत लांछन है और कुछ नहीं। विनय बाबू, आप क्या मेरे लिए गौरमोहन बाबू के लेख ला सकते हैं? ठीक है, जंग का रंग लाल होता है, अमन के फूल तो सफेद होने चाहिए। देखिए, आपके फूल सुंदरता में बहुत अच्छे थे, लेकिन उनमें गुस्से की लाली थी। मेरे ये फूल आपके फूलों से सुंदरता में बहुत कम है, लेकिन पूरी शांति और नम्रता के साथ आपके सामने हाजिर हैं। मेरे फूल मतलब? तो क्या मैंने कुछ गलत समझा? सतीश बाबू, वो आपने किसके फूल दिए थे? वाह, लोलिता दीदी ने तो फूल देने के लिए कहा था। किसे? आपको और किसे? तू बड़ा बुद्धू निकला, तू विनय बाबू की तस्वीरों के बदले तूने फूल नहीं देना चाहता था? हाँ, लेकिन तुमने ही तो कहा फूल देने के लिए। देखिए देखिए, मैं आपके फूलों पर से अपना हक छोड़ता हूँ, लेकिन मेरे फूलों के बारे में कोई भ्रम नहीं है। ये हमारे विवाद के खत्म होने के साक्षी हैं। विवाद क्या था और निष्पत्ति कैसी? माने वो सब माया था, विवाद, फूल, निष्पत्ति, सब भ्रम। चमकीले पीतल को सोना समझा और सोना क्या पीतल भी नहीं निकला। लेकिन वो नाटक वाली बात तो वो भ्रम नहीं थी, लेकिन उसको लेके विवाद कैसा? और आपको क्यों लगता है कि आपको राजी करने के लिए मैं कोई जंग लड़ रही थी? आप राजी हुए, मैं कृतार्थ हुई। वैसे नाटक में हिस्सा लेना अगर आपको गलत लगता है तो किसी की बात मानकर आप क्यों राजी हो? क्या हुआ रे? कुछ नहीं। कहाँ थी इतनी देर? विनय बाबू आए हैं, शायद तुमसे मिलना चाहते हैं। तू नहीं चलेगी? तुम चलो, मैं अभी आई। ठीक है, मैं आती हूँ। देखिए, आपके फूल बहुत अच्छे थे, लेकिन उनमें गुस्से की लाली झलक रही थी। मेरे ये फूल सुंदरता में आपके फूलों से बहुत फीके हैं, लेकिन पूरी शांति और नम्रता के साथ आपके लिए हाजिर हैं। आप कब आए विनय बाबू? बस अभी आए। बैठिए बैठिए, कैसे हैं? अच्छा। परेश बाबू नहीं है? नहीं, बाबा नहीं है घर पे। माँ भी लाबन्ना और लीला को लेकर नाटक के रिहर्सल के लिए गई हैं। हाँ, लेकिन आपको रुकने के लिए कहा है, आज आपकी परीक्षा होगी। आपने गई रिहर्सल के लिए? मैं? देखिए, अगर सभी कलाकार बन गए तो फिर दर्शक कौन होगा? वो आपने कुछ लेख मंगाए थे ना, वही लाया हूँ। गौरमोहन बाबू के? एक तो ये है, बाकी कुछ इन किताबों में। बिनोय बाबू। अरे बिनोय बाबू। पानु बाबू, आज आपके गौरमोहन बाबू नहीं आए।
आपको शायद कुछ काम था उनसे। गजब बात है, आप मौजूद हैं और आपके दोस्त गायब। हाँ, वो जरा कोलकाता से बाहर गए हुए। ओ, प्रचार में निकले हैं शायद। मैं जरा आती हूँ। सुचरिता जी, तुमसे कुछ बात करनी थी। पानु बाबू, आज मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं है, माफ कीजिएगा। विनय बाबू, आजकल आप ब्रह्म समाज की मीटिंग में नजर नहीं आ रहे। हाँ जरा मैं व्यस्त था इन दिनों। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। चलिए सतीश बाबू, अब मैं चलता हूँ। जरा रुक जाइए ना। आज नहीं, आज मुझे बहुत काम है। अगली बार जब तुम आओ तो स्क्रैप बुक लेके आना, मैं तुम्हें और तस्वीरें दूंगा, ठीक है? चलो। I will recite Daffodils by William Wordsworth. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils fluttering and dancing in the breeze, continuous as the stars that shine and twinkle. विनय बाबू, अब आपकी बारी है। आप उच्चारण की बिल्कुल चिंता मत करिए, हम आपको नाटक से पहले पूरी तरह से तैयार कर लेंगे। जी, कोशिश करता हूँ। The Power of Music by John Dryden. It was at the royal feast for Persia won by Philip's warlike son. Aloft in awful state, the godlike hero sate on his imperial throne. The valiant peers were placed around, the brows with roses and with myrtles bound, the thais by his side sate like a blooming eastern bride, happy, happy, happy pair. None but the brave, none but the brave, none but the brave deserves the fair. विनय बाबू, आपने तो कमाल कर दिया। अंग्रेजी का उच्चारण तो आप हमें सिखला सकते हैं। छात्रों को लेक्चर देकर आप उनका जोश बढ़ा सकते हैं। आप हमारे अखबार के लिए लेख लिखा करें ना। बिल्कुल जी, कोशिश करूंगा। मैजिस्ट्रेट साहब तो आपकी कविता पाठ को सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। मुझे भी इस प्रोग्राम में योगदान करना चाहिए। सोचता हूँ संगीत के संदूरी शास्त्र पे एक छोटा सा भाषण दूं और पैराडाइज लॉस्ट कविता से कुछ कविता पाठ करूं। इतने लंबे प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए मजिस्ट्रेट आपको सम्मति नहीं देंगे। तुम उसकी चिंता ना करो, आज ही उनकी चिट्ठी आई है और उन्होंने मेरे योगदान का स्वागत किया है। ठीक है पानु बाबू, लेकिन अगर आप अपनी इच्छा पहले जाहिर करते तो प्रोग्राम को सजाने में सुविधा होती। ललिता, अब तुम्हारी बारी है। माँ, मैं इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहती। क्यों, क्या मुश्किल है बेटा? माँ, मुझसे नहीं होगा ये।
बेटा हम मजिस्ट्रेट साहब को वायदा कर चुके हैं और उन्होंने भी पूरी तैयारी कर ली है। अब समय कम है और काम बहुत ज्यादा। अब आखिरी वक्त पर उन्हें मना करना बहुत गलत होगा। बाबा ये मुझसे नहीं होगा, सब मुझ पर हंसेंगे। देखो तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचेगी इस डर से क्या तुम अपना कर्तव्य नहीं निभाओगी। अरे घाव लगने दो बेटा, उन्हें नजरअंदाज करके क्या तुम अपना कर्तव्य नहीं निभाओगी। ठीक है बाबा, निभाऊंगी। शाबाश, तो चलो अभी से ही तैयारी शुरू करो। हाँ शाबाश, आओ। How do I love thee? Let me count the ways. I love thee to the depth, breadth, and height. My soul can reach when feeling out of sight for the ends of being an ideal grace. I love thee to the level of every day's most quiet need. By sun and candlelight. I love thee freely, as men strive for right. I love thee purely, as they turn from praise. I love thee with the passion put to use in my old griefs and with my childhood's faith. I love thee with the love I seem to lose with my lost saints. I love thee with my breath, smiles, and tears of all my life. And if God chose, I shall but love thee better after death. क्यों रे शोशी, आजकल तू मेरे पास पढ़ने क्यों नहीं आती है? दादी, माँ ने मना किया है। अच्छा? और मुझे मेरी सहेलियों के साथ भी खेलने नहीं देती। क्यों? कहते हैं अब मेरे खेलने की उम्र नहीं रही। माँ ये शोशी क्यों भाग गई? शर्मा गई, अपने चाचा के दोस्त से नहीं पर अपने होने वाले पति को देखकर शर्मा गई। बीनू, गुरा की चिट्ठी आई है। क्या लिखा है? अपने बारे में तो कुछ खास नहीं लिखा है पर देश के गरीबों की दुर्दशा के बारे में काफी विस्तार से लिखा है। घोषपाड़ा नाम के किसी गांव के मैजिस्ट्रेट के अत्याचारों से बहुत ही विचलित है बेचारा। माँ, गोरा अपने समाज की बुराइयों को अनदेखा करके सिर्फ दूसरों के दोष ढूंढता है। हमारे समाज में जो रोज अपराध, अत्याचार, अन्याय हो रहे हैं उसका क्या? उसे न सिर्फ हमें माफ करना होगा बल्कि उसकी तारीफ भी करनी होगी। मेरे गुस्से को देख के आपकी हंसी आ रही है। अभी अभी मैंने एक महाशय को अपनी पत्नी के साथ बेदर्दी से पेश आती हुए देखा। मूसलाधार बारिश में बाबू साहब अपने सर के ऊपर छत लगाए खड़े थे और उनकी पत्नी अपने बच्चे को बारिश से बचाने के लिए खुद भीग रही थी और राह चलते लोगों को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हमारे समाज में धूप हो या छांव, बारिश हो या गर्मी, किसी भी औरत के सर पर छाता नहीं है। मैंने ये ठान लिया है कि मैं इस झूठ को बढ़ावा नहीं दूंगा कि हमारा समाज औरतों की इज्जत करता है, उन्हें लक्ष्मी स्वरूप या देवी समझता है। क्योंकि मुझे ये बोध हो गया है कि हमारे देश की प्रगति के लिए नारी जात कितनी आवश्यक और अहम है। बीनू,
आज तुम्हारे विरोध के स्वर सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन जिसकी वजह से तुम्हारे विरोध को स्वर मिला है उससे नहीं मिलवाओगे? माँ, मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य पता है क्या है? कोई नहीं समझता कि मैं स्वतंत्र विचार की योग्य हूँ। ठीक है, आज खाना खा के जाना।